खबर शिवपुरी से है, जहां ससुरालियों ने परेशान कर उतारा लड़की को मौत के घाट। वहीं भोपाल से आए लड़की के परिजनों ने की एसएसपी से शिकायत, जहां लड़की सोनू सेन की ससुराल पक्ष से उसके पति एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से परेशान प्रताड़ित कर दहेज की मांग करने और पुत्री के बीमार होने पर अवैध रूप से रुपयों की मांग करने और जब विरोध किया तो ससुरालियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। ऐसा आरोप लड़की के परिजनों ने लगाया। पति व ससुराल पक्ष के विरुद्ध प्रकरण कायम किए जाने की शिकायत की, तो वहीं जानमाल की रक्षा करने की भी बात एसएसपी शिवपुरी से की है। क्या नाम है तुम्हारा? अरविंद कुमार जैन। कहाँ से आए हो? भोपाल से। क्या समस्या थी, एसपी ऑफिस आए हो? हमारी बच्ची की नाजायज तरीके से परेशान करके उसकी डेथ कर दी। कौन परेशान कर रहा है? हमारे दामाद थे नीरज जैन, कन्या दाने। शादी कब हुई थी आपकी बच्ची की? 2021 में 13 जुलाई को। 13 जुलाई? हाँ, 21 में। तो क्या कुछ मतलब परेशान क्यों कर रहे थे? दहेज के चक्कर में। क्या बोलते थे? तो पैसे लेके बुलवाओ, जब तुम्हारे मम्मी पापा से बात करने देंगे ना नहीं करेंगे। अच्छा। दारू पी के मारपीट करके मेरी बच्ची को उनने किडनी खराब कर दी थी, इस कदम DMC वगैरह कराई। तो आपने उस टाइम शिकायत नहीं करी थी? 181 पे करी थी। क्या हुआ उसके बाद? वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, 181 पे कुछ केस नहीं हुई। आपने जैसे आगे बताया कि इसकी मृत्यु भी हो गई है। हाँ। कैसे हुई? जैसे उसने डायलेक्स टेम्प नहीं कराया, 15 दिन तक होते हैं, जो हफ्ते में 2 दिन बताया था डॉक्टर ने, इनने 15 दिन तक नहीं, 13 दिन तक नहीं कराया, जिसका खून का पानी एक एक दिन में बनता है। आप इसकी वजह क्या मानते हो, इसकी मृत्यु की वजह? मृत्यु की वजह अगर टाइम पे कराते मेरी आज बच्ची जिंदा तो होती। किस पे लगा रहे हैं? उनके परिवार वालों ने, सब ने। क्या चाहते हैं अब आप? मैं कार्रवाई चाहता हूँ जिन लोगों ने, 4 लोग तो हैं, एक नंदे हुए, अब नीरज जैन है, उसकी माँ है। कब मृत्यु हुई आपकी? 11 तारीख को, 11/3 को। 11/3 को साहब से मिले, साहब ने क्या आपको आश्वासन दिया? साहब ने कह दिया हम जांच करा के कार्रवाई करेंगे।